इकोलॉजिकल प्रॉब्लम द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ फर्स्ट द कंटेंट पॉपुलेशन ग्रोथ अर्थ कैरिंग कैपेसिटी एंड द एज स्ट्रक्चर ऑफ आ पॉपुलेशन स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर इकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल इश्यूज और हम बात करें देर आर फ्यू जो मेजर इकोलॉजिकल प्रॉब्लम पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन इट्स Major ecological problems. The other problems they are the pollutions, and the third one it may be the biodiversity loss. So these are the main ecological problems which need to be handled. So the first one, the human population growth or the population growth. Population growth is basically is the increase in number of individual within a population. So uh, with which speed the population is going to increase, this is the will be the population growth.

जो नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं दे विल भी डिस्टर्ब सो मोर ह्यूमन, मोर ह्यूमन मीन मोर फूड मोर फ्यूड फूड मोर आर्बनाइजेशन मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑल दीज थिंग्स दे आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल इन्वामेंट और द नेचुरल इकोसिसटम्स तो अगर हम सिंपल देख लें कि वाट इज द कैरियंग कैपेसिटी ऑफ आवर प्लानेट कि हमारी प्लानेट है अर्थ है इसकी कैरियंग कैपेसिटी कितनी है तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अगर हम बात करें

ओवरऑल देखें अकामोडेशन कितने लोगों को हो सकती है कितने लोग सर्वाइव कर सकते हैं इस अर्थ के ऊपर दे आर नाइन टू टेन बिलियन तो अगर पॉपुलेशन इसी स्पीड से बढ़ती चली जाएगी तो अल्टीमेटली ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होगी कि अर्थ उसको सपोर्ट नहीं कर सकेगी अल्टीमेटली फिर जो है वो रिसोर्स जो है उसकी शॉर्टेज हो जाएगी तो हाउ वी कैन द पॉपुलेशन ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास द वन थिंग इज द एज स्ट्रक्चर कि हम किसी पॉपुलेशन के अगर हम एज स्ट्रक्चर देख लें तो उससे हमें आइडिया होगा कि इन फ्यूचर ये पॉपुलेशन जो है वो क्या उसमें इंक्रीज होगी डिक्रीज होगा या किस तरह से पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करेगी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्स के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल विच आर इन प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज सेकेंड क्लास इज दो इंडिविजुअल विच आर प्रेजेंट एट रिप्रोडक्टिव स्टेज एंड थर्ड इज द आर द इंडिविजुअल विच आर इन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज यानी कुछ वो जो इन्फेंट्स प्री रिप्रोडक्टिव मीन जो अभी इन्फेंट्स हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज मीन जो अडल्ट हैं जो अपने यंग वन प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव मीन वू आर गेटिंग ओल्ड जो कि जो है वो रिप्रोडक्शन की नहीं कि उनकी एज जो है वो बढ़ चुकी है उससे अगर किसी सोसाइटी के अंदर एज परसन ज़्यादा हैं तो इट मीन्स के न्यू फ्यूचर में जाकर द पॉपुलेशन विल डिक्रीज के आहिस्ता आस्ता पॉपुलेशन जो डिक्लाइन की तरफ जाएगी अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर इन्फेंट्स ज़्यादा हैं यंग वन ज़्यादा तो इट मीन्स द पॉपुलेशन इज़ येट ब्लूमिंग पॉपुलेशन जब आगे क्या करिए ब्लूम करिए बढ़ रही है तो ग्रोथ रेट उसके अंदर ज़्यादा है और ये ग्रोथ रेट आगे जाकर फ्यूचर में मजीद क्या करेगा इनक्रीज करेगा सो so, अगर हम नेचर से कंपेयर करें नेचर के अंदर बहुत सारी ऐसी डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका रिप्रोडक्टिव जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है जैसे हम सिंपल फिशज को ले लें फिशेज है वेरी ह्यूज रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बट द थिंग इज़ दे आर इन्फेंट्स डट हाई मोर्टैलिटी रेट कि उनके जो इन्फेंट्स हैं या जो स्प्रिंग है वो बड़ी बहुत सारे जो होते हैं वो मैक्मम जो है उनकी डेथ हो जाती है फ्यू सर्वाइव ह्यूमन में मैक्सीम इन्फेंट्स दे सर्वाइव तो रिजल्ट क्या है कि नेचुरल पॉपुलेशन में अगर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज़्यादा है या रिप्रोडक्टिव रेट ज़्यादा है तो वो बैलेंस हो रहा है क्योंकि उसको जो है वो इन्वायरमेंट जो होता है वो बैलेंस कर रहा है ह्यूमन के केस में मोर रिप्रोडक्शन मीन मोर सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स और ज़्यादा सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स मीन द पॉपुलेशन विल इंक्रीज एट द लॉगरथमिक स्केल जो हो ज़्यादा रैपिडली स्पीड से हो इंक्रीज करेगी इर वी हैव द चार्ट ह्यूमन पॉपुलेशन अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन को थोड़ा सा कंपेयर कर लें इन एटीन हंड्रेड देर वनली वन बिलियन परसन लिविंग ऑन दिस अर्थ इन नाइनटीन थर्टी द परसन व टू बिलियंस अब अब यहाँ नाइनटीन थर्टी से नाइनटीन नाइनटी नाइन तक अगर हम देखें तो फ्राम नाइनटीन थर्टी टू नाइनटीन नाइनटी नाइन इज अप्रॉक्सीमेटली सेवेंटी ईयर्स सेवनटी ईयर्स में जो पॉपुलेशन है इट इज़ इट हैज़ इनक्रीज फ्राम टू बिलियन टू दिक्स बिलियंस और एस्टिमेट क्या बता रहा है कि बाई द एंड ऑफ टू थाउजेंड फिफ्टी द ह्यूमन पॉपुलेशन रीच टू द नीयर टू द टेन बिलियंस तो इसका एस्टिमेट भी ये है कि आफ्टर टू थाउजेंड फिफ्टी आर ट्वेंटी वन हंड्रेड द ह्यूमन पॉपुलेशन स्टार्ट डिक्लाइनिंग क्योंकि अर्थ जो है उसको स्पोर्ट करने की किसम कपैसिटी नहीं होगी तो अल्टीमेटली ह्यूमन पापुलेशन डिक्रीज़ करना शुरू करते